गणपति बाप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। दोस्तों, जल्दी ही 19 सितंबर को शुभ योग में घर घर बाप्पा पधारने वाले हैं और फिर 10 दिनों तक गणपति जी अपने भक्तों के घर में रहेंगे। इसके बाद 28 सितंबर को 10 दिनों तक चलने वाला गणेश महोत्सव का महापर्व समाप्त हो जाएगा। गणेश जन्मोत्सव से लेकर पूरे 10 दिनों तक भगवान गणेश जी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है और बाप्पा भक्तों की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें मनवांछित फल प्रदान करते हैं। लेकिन आपको बता दे कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बिना गणेश जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। ज्योतिषों के अनुसार इन चीजों के बिना व्यक्ति को पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। तो आज हम आपको इस वीडियो में उन वस्तुओं के बारे में जानकारी देंगे जिनके बिना गणेश पूजा अधूरी मानी गई है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले आपको बता दें कि गणेश पूजा में बप्पा को सिंदूर लगाना बेहद शुभ माना गया है। सिंदूर को शुभ और मंगल का प्रतीक माना जाता है। सिंदूर का तिलक लगाए बिना गणेश जी की पूजा तो संभव ही नहीं है। ऐसे में गणेश चतुर्थी के दिन पप्पा को विराजने के बाद पूजा के समय उन्हें सिंदूर चढ़ाएं और उनके माथे पर सिंदूर का तिलक लगाएं। इसके बाद स्वयं भी सिंदूर का तिलक करें। इससे व्यक्ति के जीवन में सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। इसी के साथ, जैसा कि इस बात को तो सभी जानते होंगे कि गणपति जी का एक नाम लंबोदर भी है, इसलिए उनकी पूजा में मिठाई शामिल करना बहुत जरूरी होता है। और बता दें कि मिठाई में गणपति जी को मोदक बेहद पसंद है, इसलिए गणेश पूजा में मोदक का होना बेहद जरूरी है। मान्यताओं के अनुसार मोदक के बिना गणेश पूजा अधूरी होती है। तो ऐसे में भगवान गणेश की पूजा के दौरान उनका प्रिय भोग मोदक जरूर शामिल करें। तो वहीं अगली वस्तु का नाम है दूर्वा, जिसके बारे में हर कोई जानता होगा। भगवान गणेश को दूर्वा अति प्रिय है। इसके बिना गणेश चतुर्थी की पूजा अधूरी मानी गई है। ऐसे में गणेश चतुर्थी के पर्व पर गणेश जी की पूजा में 3 या 5 कुंगी वाली दूर्वा अवश्य अर्पित करें। इससे गणपति जी शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। इसके अलावा गणेश पूजा में गन्ने का भी अपना एक स्थान है। अगर आप भी अपने घर में गणपति जी की स्थापना करने जा रहे हैं, तो पूजा में गन्ने को जरूर शामिल करें। इससे जीवन में मिठास आती है। ज्योतिष शास्त्र में गणपति जी के बारे में ऐसा कहा गया है कि उन्हें फलों में केला सबसे प्रिय है, तो केले को गणेश चतुर्थी के पर्व पर पूजा के दौरान जरूर शामिल करें। लेकिन ध्यान रखें कि गणेश जी को केला सदैव जोड़े में चढ़ाना चाहिए, यानी कि केले का एक फल कभी भी पूर्ण नहीं माना जाता है। तो दोस्तों, अगर आप गणपति जी को घर में पधार रहे हैं, तो उनकी पूजा में इन चीजों को अवश्य शामिल करें। कुंडली टीवी डेस्क से तानिया की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।